प्रदेश के चुनावी समर में नर्मदापुरम की होशंगाबाद विधानसभा का चुनाव सबसे दिलचस्प है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर आए पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने ही उनके छोटे भाई और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया। इस सीट पर अब सगे भाइयों के बीच मुकाबला होगा। यही वजह है कि होशंगाबाद विधानसभा सीट का चुनाव सबसे रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें कि परिसीमन के पहले इटारसी और अब होशंगाबाद विधानसभा सीट पर बीते 3 दशक से इसी शर्मा परिवार के सदस्य विधायक बन रहे हैं। पहले 1989, 1993 और 1998 में डॉक्टर सीता शरण शर्मा इटारसी विधायक रहे। 2003 में गिरिजा शंकर शर्मा इटारसी से और परिसीमन के बाद 2008 में होशंगाबाद से भाजपा के विधायक बने। 2013 में भाजपा ने गिरिजा शंकर शर्मा का टिकट काटकर उनके भाई सीता शरण शर्मा को मौका दिया और फिर 2013 और 2018 में डॉक्टर शर्मा विधायक रहे। 2013 में डॉक्टर शर्मा विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा के मुताबिक ये चुनाव दो व्यक्ति का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच होगा। प्रदेश के चुनावी महासमर में होशंगाबाद की सीट अपना खास महत्व रख रही है, जिसका कारण है दो भाइयों के बीच चुनावी जंग। जंग इसलिए कहेंगे क्योंकि चुनाव जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे में जब दो भाई आमने सामने हैं तो क्या स्थिति बनती है। हमारे साथ होशंगाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी गिरिजा शंकर जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये चुनाव कैसा है। जी, यदि बात की जाए चुनाव की तो कैसा फेस कर रहे हैं इस चुनाव को खास? नहीं, देखिए, चुनाव, हर चुनाव में वोट मांगी जाती है, हर चुनाव में जिस पक्ष में हम होते हैं उसकी प्रशंसा की जाती है। अब इस चुनाव में भी सब वैसा ही चल रहा है। एक फर्क है कि हम दोनों भाई आमने सामने हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे स्वार्थी लोग जो इसे मुद्दों की लड़ाई से हटाकर भाइयों की लड़ाई पर केंद्रित करना चाहें उससे बचना चाहिए, नहीं तो मुद्दे गौड़ होंगे। और मेरी मान्यता ये है कि जनता के सामने जितने भी लोग चुनाव में आए हैं उनको ये बताना चाहिए कि वे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में आज वोट मांगने लायक कुछ भी नहीं है। चुनाव जब शुरू हुए थे तब कयास लगाए जा रहे थे कि ये जब आप और डॉक्टर साहब आमने सामने रहेंगे तो चूंकि चुनाव है आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, तो बतौर कांग्रेस प्रत्याशी या डॉक्टर साहब बतौर भाजपा प्रत्याशी भाइयों के बीच की गरिमा भी बना के रखने का प्रयास कर रहे हैं, ये चुनाव उस लीक पे ना चला जाए और भाईचारा बना रहे, ये कैसा समन्वय है, कैसे बन पा रहा है? ये बन पा रहा है क्योंकि वो भी इस मामले में सतर्क हैं, हम भी इस मामले में सतर्क हैं, लेकिन चंद स्वार्थी लोग इसको खास तौर पर केंद्रित करना चाहते हैं भाई के विरुद्ध भाई के चुनाव के लिए। और देखिए, जनता देख रही है 40-45 सालों से दोनों को, इसलिए ये चुनाव लड़ा तो मुद्दे पर ही जाएगा, झूठे दुष्प्रचार पर अफवाहों पर कतई नहीं लड़ा जाएगा। आगाज हो चुका है, चुनाव जारी है, अब अंजाम की यदि बात की जाए तो जब परिणाम आएंगे तब क्या रहेगा, यदि आप जीतते हैं या डॉक्टर साहब जीतते हैं तो? देखिए, हम जीतते हैं तो मुद्दों की जीत होगी, पिछली सरकार की खराब नीतियों की, दुर्व्यवस्था की, बुराइयों की हार होगी, प्रदेश के सामने एक बेहतर भविष्य होगा। लेकिन ये जरूर है कि डॉक्टर साहब की हार होगी, वो जीतते हैं तब तो प्रदेश का भविष्य ही चौपट होने का खतरा है। 20 साल में जो पार्टी नहीं सुधरी, 18 में हारने के बाद जो नहीं सुधरी, 25 में जीत गई, तो मुझे लगता है कि प्रदेश का ऊपर वाला ही मालिक है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गिरिजा शंकर जी मौजूद थे, जिनका कहना था कि ये मुद्दों की लड़ाई है ना कि दो भाइयों के बीच की जंग। विधानसभा चुनाव की दस्तक के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और नर्मदापुरम जिले की होशंगाबाद विधानसभा प्रदेश की सबसे बहुचर्चित विधानसभा होने जा रही है, क्योंकि यहां से भाजपा से डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी जो 6वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहीं उनके प्रतिद्वंदी इस बार उनके ही भाई होंगे। हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस प्रकार की चुनाव की स्ट्रेटेजी रहेगी और क्या प्राथमिकता रहेगी, किस प्रकार की योजना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो नीति नीति है वही हमारी योजना है। वर्षों से मैं इस पार्टी का काम, पार्टी के विचारों को लेकर आया, हमारा नेता केंद्रीय नरेंद्र मोदी जी पहले से लेकर माननीय
में हमारा प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित प्रदेश की राज्य में पहुंचा है, हमारा देश सशक्त बना है, यही हमारी रीति रीति है। और ये पिछली बार भी थी कि सामने सरताज जी थे जिनके साथ रहकर के मैंने लंबे समय तक राजनीति की है और जिनसे मैंने राजनीति का बहुत से पाठ पढ़े हैं। एक तरफ अब इस बार संजय भैया आ गए दर्शन करके, वो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लाने वाले वही हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिलाने वाले सरताज जी हैं। तो मेरे सामने एक विडम्बना पिछले बार भी थी, इस बार भी है, किंतु जब विचार की बात आती है, जब लीडर की बात आती है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं चाहे राहुल गांधी हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हों, जिन विचारों पर वर्षों से चले आ रहे हैं उनके साथ खड़े हों, और इसलिए सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए चुनाव में क्या परिणाम परिणाम भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी मौजूद थे जिनका कहना है कि परिणामों में इस बार भी भाजपा ही जीतेगी और नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के जो विचार हैं वो परस्पर अलग अलग हैं और नरेंद्र मोदी और भाजपा के विचारों पर ही जीत होगी। शैलेंद्र कौरव, न्यूज 18, नर्मदापुरम।